क्वेश्चन में हमें गिवन है स्क्वायर रूट के अंदर स्क्वायर रूट ऑफ 25 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 24। तो हमें क्या करना है, इस टर्म को सिंपलीफाई करना है। दोस्तों ये क्वेश्चन सोल्व करना आपको आ रहा है तो वीडियो को अभी पॉज करिए और इस क्वेश्चन को सोल्व करके जो भी आंसर आता है उसे कमेंट बॉक्स में हमें रिप्लाई करिए। तो आइए इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। तो यहाँ पर जो गिवन है टर्म स्क्वायर रूट के अंदर स्क्वायर रूट ऑफ 25 को क्या लिख सकते हैं, हम स्क्वायर रूट ऑफ 25 को लिख सकते हैं 5, ठीक है। माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 24 को क्या लिख सकते हैं, 4 × 6, इस प्रकार लिख सकते हैं। तो नेक्स्ट स्टेप में हम क्या लिखेंगे दोस्तों, स्क्वायर रूट ऑफ 5 माइनस स्क्वायर रूट के अंदर हमें 4 × 6 है तो 4 को बाहर लेके आएंगे तो हम यहाँ क्या लिख सकते हैं, 2 × √6, इस प्रकार लिख सकते हैं। नेक्स्ट स्टेप में हम लिखते हैं दोस्तों स्क्वायर रूट ऑफ 5 को एज इट इज लिखते हैं माइनस 2 × √6 को क्या लिख सकते हैं, 3 × 2, इस प्रकार लिख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में हम लिखेंगे 5 माइनस 2 × √3 × √2, इस प्रकार लिख सकते हैं। अब हम क्या करेंगे, स्क्वायर रूट के अंदर जो 5 है 5 को हम लिख देंगे 3 + 2, ठीक है, इस प्रकार हम इसको लिख सकते हैं और बाकी टर्म को हम एज इट इज लिखेंगे, ठीक है। अब हम क्या करते हैं नेक्स्ट स्टेप में, स्क्वायर रूट ऑफ 3 को क्या लिख सकते हैं, स्क्वायर रूट ऑफ 3 का स्क्वायर लिख सकते हैं प्लस 2 को क्या लिख सकते हैं, स्क्वायर रूट ऑफ 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं माइनस 2 × √3 × √2, इस प्रकार हमने इसको लिख दिया, ठीक है। अब यहां पर हम क्या करते हैं, स्क्वायर रूट ऑफ 3 को क्या मान लेते हैं a और स्क्वायर रूट ऑफ 2 को मान लेते हैं b, ठीक। इसी प्रकार यहां पर स्क्वायर रूट ऑफ 3 को a और यहां पर स्क्वायर रूट ऑफ 2 को b लिख देते हैं। तो यहां पर हमारे पास एक टर्म बन रही है दोस्तों a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2 × a × b। तो इसको क्या लिखा जा सकता है, इसको लिखा जा सकता है a माइनस b का होल स्क्वायर, ठीक है, इस प्रकार लिख सकते हैं। तो नेक्स्ट स्टेप में हम लिख देते हैं दोस्तों स्क्वायर रूट के अंदर a की जगह क्या लिखेंगे, स्क्वायर रूट ऑफ 3 माइनस b की जगह क्या लिखेंगे, स्क्वायर रूट ऑफ 2 इसका होल स्क्वायर, ठीक है। यहां से सिंप्लीफाई करते हैं तो यहां से स्क्वायर रूट 2 से कैंसिल आउट हो जाएगा तो यहां पर हमारे पास बचता क्या है, स्क्वायर रूट ऑफ 3 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 2, ठीक है। अब यहां से स्क्वायर रूट ऑफ 3 की वैल्यू हम जानते हैं 1.73, ठीक है, माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 2 की वैल्यू हम जानते हैं कितनी है, 1.41, ठीक है। अब यहां पर 1.73 में से 1.41 माइनस करते हैं तो हमारे पास क्या बचता है दोस्तों, 0.32, ठीक है। तो हमारे पास आंसर जो आया है इस क्वेश्चन का वो आया है 0.32 के इक्वल। दोस्तों वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करने का प्रयास करें।